हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम लोगों ने आपके केस को अच्छी तरह से समझा और आपकी सफाई भी सुनी है। ये तो साफ जाहिर है कि आपने प्रोटोकॉल तोड़ा है। इससे पहले कि हम कोई निर्णय लें, अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जब आप लोगों ने तय कर ही लिया कि हमने प्रोटोकॉल तोड़ा है तो फिर बचा ही क्या है सफाई देने के लिए। देखिए मिस्टर प्रद्युम्न, हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम जो भी कह रहे हैं साक्ष्य के आधार पर कह रहे हैं। सर, पिछले 20 साल से CID में काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल से हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। यहाँ तक कि CID के लिए हम लोगों ने अपना खून भी बहाया। देखिए कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हमें फौरन मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमें चुप रह जाना पड़ता है। और इसके बावजूद भी हम अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। देखिए हम आपकी बात को समझते हैं लेकिन नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है, ये तो आप जानते हैं ना। हमेशा नियमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता सर। हमारा काम ही कुछ ऐसा है, सिचुएशन के हिसाब से हमें उसी समय तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। और जहाँ तक गया कि केस का सवाल है, प्रोटोकॉल तोड़ने की जरूरत नहीं, वजह थी सर। दया एक जाबाज CID ऑफिसर है सर, CID के लिए कुछ भी कर सकता है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमने प्रोटोकॉल तोड़ा है, डिसिप्लिन तोड़ी है, तब जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। देखिए हम लोग आपकी बात से सहमत हैं लेकिन नियम तो आपने तोड़े। और नियम तो फॉलो करने के लिए ही होते हैं और आप लोग कानून से ऊंचे नहीं हैं। इसीलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि आप लोगों की टीम को तोड़ा नहीं जाएगा, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। लेकिन आज से आप लोगों को मॉनिटर किया जाएगा। आपके सभी केसेस को एक सुपरवाइजिंग ऑफिसर मॉनिटर करेगी जिसे हमने नियुक्त किया है। हेलो, मेरा नाम शीतल है। आज से शीतल ही आपको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करेंगे मतलब? मतलब यह है कि आपके केसेस की जो भी एक्टिविटी होगी आज से शीतल हमें बताएंगे और आपके केसेस की सारी जानकारी रखने का पूरा अधिकार है शीतल को। आप लोगों की टीम आगे रहेगी या नहीं रहेगी ये भी हम शीतल जी की रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लेंगे। देखिए आज तक आप लोगों ने जो चाहा वो किया लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब से आपको अपने हर केस में शीतल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मेरे काम करने का तरीका कुछ अलग है और आप लोगों को मेरे तरीकों को फॉलो करना होगा। तो मिला कि आप ये कहना चाहती है कि अब से आप हमारी बॉस हैं? नहीं नहीं, I don't like the word boss. बॉस कहना उचित नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पर आई हूँ आपके केसेस को स्मूथली हैंडल करने और
मैं चाहूंगी कि इस पे डिसीजन मेरा फाइनल है। देखिए प्लीज, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरे पास ऑर्डर भी है और इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आज के बाद जो भी केस की इन्वेस्टिगेशन आप लोग करेंगे वो मेरे देखरेख में होंगे। आपको मुझे लूप में रखना होगा और हर एक इन्वेस्टिगेशन केस की रिपोर्ट आपको मुझे देनी होगी। एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड्स फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। वेल, इसमें यह भी लिखा है कि किसी भी सस्पेक्ट के साथ कोई भी फिजिकल वायलेंस करने से पहले आपको मुझे पूछना होगा। हेलो, एसीबी प्रद्युमन। अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। ओके, दो दो खून हुए, हमें निकलना होगा। कितने जल्दी निकलेंगे आप? फाइंड आउट नहीं करेंगे कि वो कॉल फ्रॉड है कि नहीं, सचमुच ये मर्डर्स हुए हैं कि नहीं, ऐसे निकलेंगे? शीतल जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन दरअसल बात ये है कि दो दो खून हुए, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा। हाँ, आपको हम सब रिपोर्ट्स भेज देंगे, आपको लूप में जो रखना है। पता नहीं क्या मतलब? आप लोगों ने फोन करके बोला था कि खून हुआ है यहाँ पे। दो खून हुए, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। दो खून हुए? तो फिर खून हुए कहाँ, लाशें कहाँ हैं? पता नहीं सर, मैंने सिर्फ सुना। क्या सुना है तुमने? चीखने चिल्लाने की आवाज? नहीं, मैंने सब कुछ सुना, देखा भी है, बट मैं वहां थी नहीं। सर, इसने कोई बुरा सपना देखा और अब इस तरह की बातें कर रही है? नहीं मैडम, सपना नहीं है, मैंने खून होते हुए देखा है। कब, कहाँ, कैसे, ये नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ थी ही नहीं। जब आप वहाँ पर थी नहीं, तो आपने ये खून होते हुए कैसे देख लिया? इस ट्यून से। इस बीट में बहुत बारिश हो रही है, आसपास पेड़ है और एक टूटी हुई बोट भी है। ये ड्रम्स पे कोई उस आदमी को घसीट रहा है। ये वाली बीट पे वो आदमी उसे उस पत्थर से वार पे वार किया जा रहा है। अन्या, तुमने ये सब देख लिया खून होते हुए? म्यूजिक का पीस सुनकर कहीं अन्या ऐसा तो नहीं कि ये सब तुमने सोचा होगा, गेस किया होगा? सर, गेस नहीं किया, इस म्यूजिक में मुझे दिख रहा है। पर आन्या, म्यूजिक में खून होते हुए कैसे दिख सकता है? मैम, आन्या बीमार है इसलिए इस तरह की बात कर रही है। आप कौन? सर, मेरा नाम लता है, मैं यहाँ की मैट्रिन हूँ। मैं आन्या को बचपन से जानती हूँ, जब से ही ऑर्फनेज में आई है। क्या बीमारी है आन्या को? सर, इसे सिनेस्थेसिया है। सिनेस्थेसिया? मैम, ये एक कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में इंसान को म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन ये कंडीशन में इंसान म्यूजिक सुनते सुनते विजुअल भी देखता है और म्यूजिक सुनते सुनते वीडियो जैसे दिखता है। आपके कहने का ये मतलब है कि आनिया साउंड देख सकती है? यस सर। कैसे? आप आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप ड्रम बीट सुन रहे हो। लो, इमेजिन किया। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ड्रम बीट की आवाज सुनाई दे रही है, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन सिनेस्थेसिया में इंसान म्यूजिक के साथ जरूर कुछ ना कुछ देख सकता है, जैसे किसी इंसान को देख सकता है, रंग देख सकता है, या किसी भी चीज को देख सकता है। मतलब इस म्यूजिक के पीस को सुनकर तुमने ये खून होते हुए देखा? जी। तो मुझे लगता है कि आनिया जो म्यूजिक सुन के देख रही है वो सच में है नहीं, वो उसे विजुलाइज कर रही है। जैसे हम लोग सर सपना देखते हैं, बट सपने में जो देखते हैं हम उसे विजुलाइज करने लगते हैं, जबकि वो ऐसा होता नहीं। सर नहीं, सर जो मैं देख रही हूँ वो हकीकत है, जो मैं देख रही हूँ वो बहुत डरावना है, जैसे मैं टीवी पे किसी का मर्डर होते हुए देख रही हूँ।
और दो अलग अलग म्यूजिक पे दो अलग अलग खून होते हैं, एक पत्थर से हो रहा और एक क्रोबार से। अन्या, दूसरे खून के बारे में बता सकती हो? ये खून कहाँ हुआ, उस खून के आसपास क्या है, खूनी कौन है, क्या कर रहा है? आसपास पहाड़ी है, एक आदमी नीचे गिरा हुआ है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। सर वो आ गया सर, वो उसे मार रहा है क्रोबार से। सर लगातार मारते जा रहा है। चेहरा नहीं देखा खूनी का। ठीक है, हम इस केस की तहकीकात करेंगे। सर मैंने ऐसे केस के बारे में तो नहीं सुना। पर पूर्वी, जिस तरह से इतनी सारी डिटेल इस बच्ची ने हमें सब बताया है, तो शक होता है कि कहीं सच तो नहीं कह रही है। सर मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे इस लड़की ने बताया ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था सर, कहीं पे पत्थर से खून हुआ है। तो फिर एक काम करो, दे क्राइम ब्रांच से पता लगाओ कि ऐसे दो केसेस हुए हैं क्या। ओके सर। सर जैसा कि आपने बताया, ठीक वैसा ही केस 2 महीने पहले पुणे में हुआ था, उसे पत्थर से कुचलकर मार दिया गया। और सर क्रोबार से मर्डर पनवेल में हुआ था, यही कोई 6 महीने पहले। तो उसकी फाइल्स लाई है तुम लोगों ने? यस सर, ये पुणे केस की और ये पनवेल मर्डर केस की फाइल। पनवेल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जा सकते। मैंने खून होते हुए देखा है, आसपास पेड़ है और एक टूटी हुई बोट भी है। वो उस पत्थर से वार पे वार किया जा रहा है। जो विजुअल देखा था ठीक वैसे ही सर, ये फोटो में मतलब जो अन्या ने बताया वो सब सच है। कमाल है सर, इन दोनों हादसों के बारे में अन्या ने म्यूजिक सुनकर आज विजुलाइज किया, जबकि ये हादसे तो 6 महीने पहले और ये दूसरा तो 2 महीने पहले हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? जो लड़की इस क्राइम सीन पे थी भी नहीं, उसने सब कुछ विजुलाइज कैसे किया? सिनेस्थेसिया की वजह से। मैं नहीं मानती। और बाय द वे, ये सिनेस्थेसिया है क्या? और इसे डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी खास चीज को सूंघते हैं तो उससे जुड़ी हुई तमाम यादें आपके दिमाग में आने लगती हैं, जैसे कोई खास व्यक्ति, कोई खास जगह, सब कुछ। यूं समझिए एक तरीके से ये गंध आपकी मेमोरी को ट्रिगर करता है, लेकिन ये सिर्फ सिनेस्थीसिया की कंडीशन में ही होता है। इन केसेस में सुगंध की जगह म्यूजिक ने ले लिया। एग्जैक्टली अब देखिए, अन्या ने खास तरीके का म्यूजिक सुना, उस म्यूजिक पीस में एक जगह एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट से उसे एक पेड़ की याद आई, तो उसने एक पेड़ विजुलाइज किया। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में उसे आदमी। एग्जैक्टली बस मुझे लगता है खूनी ने इस खून की घटना को किसी खास तरीके से म्यूजिक में कन्वर्ट कर दी, मतलब जब म्यूजिक बजे तो उस घटना से जुड़ी हुई तमाम चीजें, तमाम जगह मेमोरी में ट्रिगर होने लगे। लेकिन ये सब कुछ विजुलाइज वही कर सकता है जिसे सिनेस्थीसिया की बीमारी, और किसी में नहीं। और यही उस ऑर्फनेज की मैट्रन ने भी बताया। आप लोगों को ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? जैसे भी है, केस को सुलझाना हमारा काम है। तो हो सकता है इस खूनी को भी ये सिनेस्थीसिया की बीमारी हो और उसने ये म्यूजिक रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि मर्डर और क्राइम सीन के बारे में वही जानता था। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये म्यूजिक कंपोज करके किसने अपलोड किया होगा और उसे ढूंढेंगे कैसे सर? रेडी, इंटरनेट खोलो, देखो इंटरनेट पर ये पर्टिकुलर म्यूजिक पीसेस जो दोनों केस में हैं वो कहीं पर है क्या। सर मिल गया सर, दोनों ट्यून एक ही गाने का हिस्सा है, एक इंडी रॉक ग्रुप ने बनाया है। देख रहा हूँ इस इंडी रॉक बैंड वालों को यहाँ पर। है सर। ओके, आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहिए, मैं कुछ दूसरे काम से आती हूँ।
अन्या, मेरा नाम शीतल है, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, क्या हम बात कर सकते हैं? अन्या? देखो अन्या, आई प्रॉमिस ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ 5 मिनट। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैम, वो बहुत डरी हुई है, उस इंसिडेंट ने उसके दिमाग पर बहुत असर छोड़ा है, उसे नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त चाहिए। ओके। मुझे आने के बारे में यहाँ के कुछ लोगों से बातें करनी है, पॉसिबल है क्या? प्लीज। म्यूजिक ट्यून से खून, ये कैसे पॉसिबल है सर? पॉसिबल है, सिनेस्थेसिया के एक मरीज ने तुम्हारे इस म्यूजिक के पीस को सुनकर एक खून होते हुए विजुलाइज किया, समझे? तुम्हारे इस म्यूजिक के पीस में एक खून का राज छुपा है। और हमारे हिसाब से खूनी वही है जिसने ये ट्यून बनाई है। हम लोगों ने खून नहीं किया, और हकीकत तो यह है कि ये ट्यून हम लोगों ने कंपोज ही नहीं किया, ये ट्यून हम लोगों ने एक फ्री साइट से डाउनलोड की थी। कौन से साइट से डाउनलोड की? देखिए सर, ये देखिए सर, सर ये ट्यून हमें पसंद आई, इसलिए हमने डाउनलोड करके अपने गाने में डाल दी। किसने अपलोड की थी ये ट्यून इस साइट पर? सर ये गुमनाम है, एनोनिमस। एनोनिमस, हमें इस एनोनिमस को ढूंढना है। मैम ये हमारा स्टाफ है, ये है पूजा, ये है रमेश, ये आरती है, वैसे तो एनजीओ में काम करती है लेकिन अक्सर हमारे ऑर्फेनेज में आती जाती रहती है। आपसे कुछ बातें करनी थी एक्चुअली आन्या के बारे में, क्या आप लोग मुझे आन्या के बारे में कुछ बता सकते हैं, जैसे कि वो कहाँ से आई, कब आई, और ओवरऑल ऑर्फेनेज में आन्या का बर्ताव कैसा है? आन्या बड़ी ही अजीब लड़की है, हमेशा डिस्टर्ब रहती है। वो यहाँ कब आई? बचपन से ही, लेकिन उसे अलग अलग 2 बार लोगों ने अडॉप्ट किया, और पता नहीं क्यों कुछ दिन रखने के बाद उसे वापस यहाँ पे आके छोड़ दिया। क्यों, कोई वजह? उसके बुरे बर्ताव की वजह से, उसके वक्त बेवक्त झगड़ा करने की वजह से, बात बात में वायलेंट हो जाती थी, बस ये उसकी आदत बचपन ही से थी। क्या बकवास कर रहे तुम? अन्य ऐसी नहीं है मैडम, ये सब गलत बोल रहा है। मैम सच में मैं यहाँ अक्सर आती जाती रहती हूँ, मैंने कभी भी आन्या को ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा है, ये सब गलत बोल रहा है। तो फिर सही बात क्या है? सच तो ये है मैडम, अन्या का बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता है। हाँ, इन सब चीजों की वजह से कभी कभी वो अजीब बर्ताव कर देती है। अजीब बर्ताव नहीं मैम, यूँ समझ लीजिए अगर आन्या को किसी ने क्रॉस किया तो उसके साथ दुर्घटना होना तय है। अभी पिछले महीने ऑर्फेनेज के बच्चों के साथ क्या हुआ याद नहीं है क्या? क्या बकवास कर रहे हो, क्या हुआ बताओ? मैम पिछले महीने एक बच्चे को फूड पॉइजन हो गया था, उसी दिन उसका झगड़ा आन्या के साथ हुआ था। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो आन्या ने किया? हाँ। सोच समझ कर बात करो रमेश, बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हो आन्या पर तुम। मैट्रिन, आन्या को ऑर्फनेज से 2 फैमिलीज ने अडॉप्ट किया लेकिन उसे वापस कर दिया, इसके पीछे कोई तो वजह होगी, शायद आन्या में ही कोई खामी हो, कोई गलती हो। आई डोंट अग्री। एनीवे, आन्या के बारे में ऐसी कोई फाइल है जिसमें उसमें सारी डिटेल्स हो, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? या श्योर। ये लीजिए। थैंक यू। अब थैंक यू मैट्रिन, लेकिन मुझे अभी इस वक्त निकलना होगा, क्या मैं आपको ये फाइल थोड़ी देर बाद वापस कर दूं चलेगा? जी। हेलो, मुझे जिन जिन लोगों को सिनेस्थीसिया है ना, उन टाइप के लोगों से मिलना है और कुछ जानना है उनके बारे में। इन 3 लोगों को सिनेस्थीसिया है। एक मिनट, आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं।
अब आप बताइए, आपने इस ट्यून को सुन के क्या विजुलाइज किया? मैम, मैंने एक बहुत बड़ा घास का मैदान देखा जहाँ पे गाय घास खा रही थी और सूरज साफ दिख रहा था। मैंने एक नदी देखी, वहाँ नाव थी और मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग आग जला के बैठे हुए थे। इंटरेस्टिंग। चलिए आखिर में आप बताइए, आपने क्या देखा? शहर देखा मैंने, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी और उसके ऊपर विज्ञापनों के लाइट्स लगे हुए। इंटरेस्टिंग, थ्री डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। अच्छा, आपने देख भी लिया और खुद अपने कानों से सुन भी लिया। तीन लोग जिन्हें सिनेस्थीसिया है उन्होंने वही ट्यून सुनी लेकिन तीन अलग विजुअल्स देखे, और आनिया ने इसी म्यूजिक पे खून होते हुए देखा है। एग्जैक्टली, दुनिया में ऐसा एक ही शख्स है जो इस म्यूजिक ट्यून को खून पे इंटरप्रेट करे। कौन? खुद खूनी, और वो खूनी और कोई नहीं, आनिया। व्हाट? आप क्या कह रही थी? आनिया पे गुनाह है। देखिए सीपी साहब, केस सबूतों पे सॉल्व होता है, भावनाओं पे नहीं, और मैं भावनाओं में बहने की गलती नहीं करती। मैं ऑर्फनेज गई और वहां जाकर पता चला कि आनिया को दो फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था, लेकिन बस कुछ ही दिनों बाद उन दोनों फैमिलीज ने आनिया को वापस ऑर्फनेज छोड़ दिया, और वो दो लोग वही थे जिसका मर्डर हुआ, जिसने आनिया को अडॉप्ट किया। मैंने आनिया को अरेस्ट कर दिया है और उसे बाल अदालत में पेश करने की तैयारी कर दी है। बिना हमें बताए, बिना हमसे पूछे आपने आनिया को अरेस्ट कैसे किया? I don't need your permission, एसीपी साहब। आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, वो खूनी है और उसे सजा जरूर मिलेगी। आपने वो क्राइम सीन के फोटोज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी? Of course देखिए। तो शायद ठीक से नहीं देखी आपने, मैं तो एक बेगुनाह को अरेस्ट नहीं करती। खूनी ने बहुत ताकत लगाई है खून करने में। एक 15 साल की बच्ची इतनी बेरहमी से दो लोगों का खून नहीं कर सकती। आप लोग उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शीतल, ये आनिया बेगुनाह है और हम किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं देते। आनिया खूनी है और उसे सजा मिलेगी, और मैंने उसे अरेस्ट कर दिया। ये मेरा डिसीजन है और ये फाइनल डिसीजन है। आप लोग बस वक्त बर्बाद कर रहे थे। और हाँ, वैसे भी मीडिया को इस केस के बारे में बात करनी है। आप लोग प्लीज मीडिया को बता दीजिएगा कि ये केस सॉल्व हो चुका है। अब केस आपने सॉल्व भी किया है तो आप ही बता दीजिए, हमें क्यों कह रही है बताने के लिए? फाइन, नो प्रॉब्लम, मैं बता दूंगी, लेकिन आप इसे मेरी चेतावनी समझ लीजिए, या फिर उम्मीद करती हूँ कि आगे से आप मेरी सारी बातें मानेंगे। आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि ये केस सॉल्व हो चुका है। मैम, कौन है खूनी? खूनी एक 16 साल की लड़की है जिसका नाम आन्या है। काफी समय तक वो हम सबको बेवकूफ बनाकर आजाद घूम रही थी, लेकिन मैंने उसकी असलियत पकड़ ली। मैम, ये केस तो काफी पुराना है ना? जी हाँ, ये केस काफी पुराना था। इनफैक्ट काफी समय तक क्राइम ब्रांच के ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन सीआईडी ने जैसे टेक ओवर कर लिया, 24 घंटे में केस सॉल्व्ड। तो मैम, आप भी सीआईडी टीम का हिस्सा हैं? जी हाँ, मैंने अभी अभी सीआईडी टीम ज्वाइन किया है एज देयर सुपरवाइजर, और ज्वाइन करते ही एक दिन में केस सॉल्व हो गया। अगर ये केस काफी समय से ठंडे बस्ते में था तो सीआईडी ने पहले क्यों नहीं टेक ओवर किया इस पर? क्योंकि इस टीम में पहले मैं नहीं थी ना, इसीलिए। मगर मैम, और लोग भी तो थे ना टीम में? जी हाँ, ये लोग पीछे 20 साल से हैं और मामलों की जांच करते रहते हैं, लेकिन क्या है ना, वो कभी कभी भावुक हो जाते हैं, और किसी भी केस में भावुक होना मतलब इन्वेस्टिगेशन में रुकावट। इन्वेस्टिगेशन के लिए सिर्फ लॉजिक की जरूरत है, जो मैंने यूज की, और केस सॉल्व हो गया। एक मिनट, मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। फिलहाल ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? अभी तो बोला था केस सॉल्व हो गया। खूनी सर, सर अभी इस केस में बचा ही क्या है? खूनी तो पकड़ा गया। जी नहीं, खूनी अभी भी पकड़ के बाहर है। मगर मैडम तो कह रही है कि खूनी वो लड़की है। ऐसा मैडम को लगता है? हमारे तहकीकात के हिसाब से शायद वो लड़की बेगुनाह है। सर तो फिर असली खूनी कौन है? इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत जल्द सच क्या है आप लोगों के सामने आ जाएगा। सर 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 सर, लास्ट क्वेश्चन सर। हां सर, आई एम सॉरी, नो मोर क्वेश्चंस, वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। मैम कह रही है कि केस
आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई मीडिया के सामने मेरी इंसल्ट करने की? आपका ये बर्ताव रिकॉर्ड में लिया जाएगा एंड ट्रस्ट मी देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। उन्हीं को पकड़ने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि शीतल कदम कदम पे रुकावट डालने की कोशिश करेगी सर। अभिजीत, पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि अन्या जिस वक्त खून हुआ उस वक्त कहां पर थी। हमें एक टीम पुणे भेजनी पड़ेगी पूरी तरह से तहकीकात करने के लिए और दूसरी टीम वैसे ही पनवेल में। आप सबके जानकारी के लिए बस मैं यही बताना चाहूंगी कि अन्या को सिनेस्थीसिया है और खून भी उसी ने किया है। उसने हमें काफी समय तक अंधेरे में रखा लेकिन हमने उसे अब पकड़ लिया है और बहुत जल्द उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है। देखिए 23 फरवरी को शाम के 4 और 7 बजे के बीच अन्या कहाँ पर थी? यूजुअली बच्चे शाम को बाहर निकलते हैं खेलने के लिए और 9 बजे तक अंदर आ जाते हैं। तो क्या अन्या ऑर्फनेज में थी या कहीं बाहर गई थी? नहीं सर, अन्या ऑर्फनेज में ही थी, कहीं बाहर नहीं गई थी। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरी इजाजत के बिना कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता। मगर कभी कभी अन्या कई कई घंटों के लिए ऑर्फनेज से गायब रहती थी, वो भी तो बताओ इनको। सर ये झूठ बोल रहा है क्योंकि ये अन्या से जलता है। मैं क्यों जलने लगा अन्या से? तो फिर उसकी चुगली क्यों कर रहे हो? हमें अन्या ने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग उससे जलते हैं। सर मैं सिर्फ आप लोगों को अन्या के बारे में जानकारी दे रहा था। तो फिर ये भी बताओ ना कि पिछले साल अन्या ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की थी। इनके खिलाफ क्यों? सर ये ऑर्फनेज के लड़कों को मारता पीटता था, अन्या ने कंप्लेन की थी इसके खिलाफ, सस्पेंड भी हुआ था, तब से ही अन्या से नफरत करता है सर। एक बात बताओ, अन्या को म्यूजिक पीस सुनने के लिए किसने कहा था? सर इसने। हाँ सर, अन्या को म्यूजिक बहुत पसंद था, बहुत बार मैंने उसे अलग अलग गाने सुनते हुए देखे थे, इसलिए मैंने उसे वो म्यूजिक सुनने दे दिया। अब मुझे क्या पता था इसकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे आप लोगों में से कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है? सर मैं पियानो बजाती हूँ। सर मैं भी पियानो बजाती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन पूना में खून हुआ था उस दिन आप लोग कहाँ थे? हम सब कुछ बच्चों को लेकर पूना गए थे। तो आप लोग उस दिन पूना में ही थे? क्या था पूना में? वहाँ पर एक इवेंट था इसलिए। सर ये सारे के सारे शरीफ होने का नाटक कर रहे हैं। काम करते हैं, इन सब के कंप्यूटर्स चेक करो, देखो क्या किसी ने वो म्यूजिक का पीस बनाया और अपलोड किया है, क्योंकि जिसने भी ये म्यूजिक पीस बनाकर अपलोड किया है ना, वही खूनी हो सकता है। ये लड़की, ये यहाँ पर 2 महीने पहले आई थी? हाँ मैम, ये 2 महीने पहले एक एनजीओ ने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसी इवेंट में डांस करने आई थी। इसने बहुत अच्छा डांस किया था सर, शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। और उसी दिन यहाँ आसपास एक खून भी हुआ था। खून तो हुआ था सर, लेकिन जिस जगह पे खून हुआ था वो यहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। और ये इवेंट उस दिन कितने बजे शुरू हुआ था? 5 बजे शुरू हुआ था और रात करीब 8 बजे खत्म हुआ था सर। अच्छा आप लोग को याद है ये लड़की पूरा समय इवेंट पे ही थी या कुछ समय के लिए गायब भी हुई थी? ये लड़की 6 बजे स्टेज पे आई थी और इवेंट खत्म होने तक स्टेज पे ही थी। सर मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से खून 3 से 6 बजे के बीच ही हुआ है। ये देखो, ये वो जगह है जहाँ पे खून हुआ था और इस जगह पे इवेंट था, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगता है। सर हो सकता है आनिया दोपहर को ही निकल गई हो खून करके, फिर उसने इवेंट ज्वाइन कर लिया। अरे नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इवेंट शुरू होने से पहले आफ्टरनून में रिहर्सल थी और वो लड़की वहाँ पर 4 बजे तक थी। इसके बाद 5 बजे से बैक स्टेज पर सारे स्टूडेंट इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। 4 बजे रिहर्सल पे थी वो जी, 5 बजे बैक स्टेज। यस, जैसे कि आपने कहा कि 6 बजे वो स्टेज पे थी, अगर ऐसा है तो आनिया खून कैसे कर सकती है? अगर खून आनिया ने नहीं किया तो फिर खून किया किसने? सारे रिपोर्ट्स और एविडेंसेस को स्टडी करने के बाद मुझे लगता है कि अन्या निर्दोष है। आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नो योर ऑनर। लेकिन सर ये सिर्फ पुणे मर्डर केस के एविडेंस और रिपोर्ट्स हैं,
पनवेल मर्डर केस में निर्दोष साबित करने के लिए कोई एविडेंस और कोई रिपोर्ट्स नहीं। ऐसा हो सकता है कि अन्या ऑर्फेनेज से बाहर निकल गई और मर्डर किया उसे फिर वापस चली गई। इट कैन बी पॉसिबल राइट सर? आपके पास अगर कोई सबूत है तो प्लीज पेश करें जिसे ये साबित हो सके कि जब खून हुआ तब अन्या पनवेल में थी। देखिए एविडेंसेस और विटनेसेस के अभाव में ये केस डिसमिस कर दिया जाता है। अन्या को प्लीज छोड़ दिया जाए। क्या पता चला? हाँ बॉस, बॉस समझ लो इस केस की चाबी मिल गई। और शीतल ने डेमोंस्ट्रेट करके बताया था कि सिनेस्थीसिया के दो अलग अलग मरीज एक ही जैसा म्यूजिक सुनने के बाद अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हाँ बॉस, मैंने अपने दोस्त से जानकारी की जो इस मामले का एक्सपर्ट है, उसने मुझे कुछ अलग ही बात बताई। नई बात क्या पता चली सर? ऐसे दो मरीज जो सिनेस्थीसिया के ही पेशेंट हैं, एक जैसा म्यूजिक सुनने के बाद भी एक जैसा रिएक्ट करते हैं। ये हो कैसे सकता है सर? हो सकता है पूर्वी, अगर दो मरीजों के बीच में खून का रिश्ता हो तो हो सकता है। बस शीतल ने जो बताया वो भी सही था लेकिन पूरी तरह से सच नहीं था। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है जैसा मेरे दोस्त ने बताया। हाँ मगर दोनों मरीज एक ही परिवार के हो तो चाचा ताऊ या भाई भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, इमीडिएट फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, जैसे माँ बाप, भाई बहन। वो क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेडी क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी है। बस मैंने मेडिकल जर्नल में से कुछ आर्टिकल्स निकाले, आइए आपको दिखाता हूँ। और भी कोई है जो अन्या जैसे उन दोनों ट्यूब्स के ऊपर वैसा ही विजुअल देखता है जो अन्या देखती है? मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप लोगों ने मुझे जेल जाने से बचा लिया। हमने सिर्फ वही किया जो हमारी ड्यूटी है, गुनेगारों को सलाखों के पीछे और बेगुनाहों को आजादी। पर गुनेगार है कौन? तुम्हारा कोई रिश्तेदार? मेरा फैमिली मेंबर अन्या, जो कि जिस तरह के विजुअल्स तुम्हें आ रहे हैं उस तरह के विजुअल्स उसी को आ सकते हैं जिसके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता हो और उसी ने ये इस तरह का म्यूजिक बनाया। पर सर मेरा फैमिली मेंबर कैसे हो सकता है? मैं तो अनाथ हूं ना। है कोई जिसे तुम नहीं जानते? तो जानना भी नहीं चाहती। बचपन से मेरा सपना था कि मेरे परिवार वाले आएंगे और मुझे अपना के लेके जाएंगे, हम खुशी खुशी साथ रहेंगे। और अब आप लोग बोल रहे हो वो कोई खूनी है? हम तुम्हें बस वही बता रहे हैं जो हकीकत है। सर ये आनिया के नाम का पैकेज आया, दरवाजे को बाहर रखा था। पेन ड्राइव पकड़। मुझे घर दिखाई दे रहा है, बहुत बिजली खड़क रही है, कोई औरत घर के अंदर भाग रही है और एक झूला भी है वहां, कोई उस औरत के पीछे क्रोबार लेके भाग रहा है। और क्या? वो उसे क्रोबार से मारा। किस औरत को मार रहा है? पता नहीं। पर इसके तो एक नोट भी है। आलिया, ये तुम्हारा फ्यूचर है, इसमें जो हुआ है ठीक तुम्हारे साथ वैसे ही हो, पर इसे कोई नहीं रोक सकता। म्यूजिक के हिसाब से जो आने ने देखा, कोई उस औरत को मारने वाला है और एक घर है, घर के सामने एक बिजली कड़क रही है और झूला है। और सर खूनी ने खून क्रोबार के साथ किया। अभी तक हमें लगता था कि खूनी पहले खून करता है और फिर म्यूजिक बनाता है, पर यहाँ तो उल्टा है। पहले खूनी मर्डर प्लान करता है, फिर म्यूजिक बनाता है और फिर म्यूजिक के हिसाब से खून करता है। मुझे मरना नहीं, प्लीज मुझे बचा लो। अन्या घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। सबसे पहले
उस खूनी को ढूंढना होगा किसी भी हाल में। अगर खूनी आन्या के परिवार वालों में से कोई है तो उसे ढूंढेंगे किसे? ढूंढने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि 16 साल पहले आन्या को ऑर्फनेज में लेके कौन आया था। शायद उसे पता हो आन्या के परिवार के बारे में। आपको कुछ याद है कौन था वो जो आन्या को यहाँ छोड़ गया था? नहीं, याद तो नहीं है। 16 साल पहले कोई उसे बाहर छोड़कर चला गया था। शीतल जी का फोन, वीडियो कॉल कर रही है। हेलो। मैंने बस यही बताने के लिए आपको फोन किया कि वो लड़की खूनी है। वक्त बर्बाद मत कीजिए और प्लीज उसे गिरफ्तार कर दीजिए। शीतल जी, कोर्ट ने फैसला सुना दिया। और कोर्ट का फैसला क्या है वो आपने भी सुना। इस कोर्ट के चक्कर में आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज, आप लोग गलत हैं और आपको ये बात मान लेनी चाहिए। सर, सर ये वही घर है। वही घर? कौन सा घर? मैंने जो अभी देखा ना, वो जहाँ खून होने वाला है, वो पेड़, झूला, वो यही था सर। वो किस जगह की बात कर रही है लड़की? शीतल जी, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? मैं इस वक्त अपने घर के बाहर हूँ। और कहाँ? आपकी जान को खतरा है। क्या बात कर रहे हैं आप ऑफिसर? मेरी जान को खतरा है, मुझे कौन मारेगा? देखिए शीतल जी, खूनी ने आपको मारने के लिए म्यूजिक कंपोज किया है जिसे उसने हमें भेजा है, और उस म्यूजिक के हिसाब से आपके घर की लोकेशन। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप ऑफिसर? मुझे डराने के लिए आप सब कह रहे हैं ना? और प्लीज, मैं डरने वाली नहीं। और ये सब आप इसलिए कह रहे क्योंकि मैं आपके केस के खिलाफ हूँ ना? शीतल जी, इसके बारे में हम बातें भी बात कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अभी इमीडिएटली घर के अंदर जाइए, खिड़की दरवाजे सब अंदर से बंद कीजिए, और जब तक हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँचते आप प्लीज किसी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। मतलब? मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। अभी मैंने आपसे जो कहा वो कीजिए, प्लीज जल्दी। गुरुदेव भाग सकते, कौन हो तुम? सीधे जाप ठीक है? आम हो क्या, हो क्या पिसा? आरती तुम? सर मैं भी पियानो बजाती हूँ। शीतल जी, हमने आपसे पहले ही कहा था आन्या खूनी नहीं है। I'm sorry officer, मुझे आप लोगों की बात समझनी चाहिए थी। मैं अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और आप अपने तरीके से। हम दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे ऑफिसर, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे करे में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा जजमेंट गलत निकला। वो ठीक है, आपके सर पे चोट लगी है। नो नाम ओके। रेडी, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। शीतल जी पे हमला क्यों किया तुमने? अपनी बेटी को बचाने के लिए। कौन सी बेटी को बचाने? आन्या को। आन्या मेरी बेटी है, शीतल उसको जेल भेजने पर तुली थी।
इसीलिए मैं उसको सबक सिखाना चाहती थी। और खून क्यों किया? 17 साल पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे पति मुझे मेंटल असाइलम में छोड़ दिए क्योंकि मैं दिमागी तौर से बीमार थी। वहां मैं 15 साल रही, मगर मगर क्या? मगर मेरे पति ने मेरी ममता का गला घोट दिया। कैसे? आन्या वहां पैदा हुई, पर उसे मुझसे छीन लिया गया। 15 साल बाद जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरे पति मर चुके हैं, पर आन्या कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं था। वो जिंदा भी है या नहीं ये भी मैं नहीं जानती थी। मैंने कई ऑर्फनेज में ढूंढने की कोशिश की उसे, पर वो कहीं नहीं मिली। आन्या के बारे में कैसे पता चला तुम्हें? 6 महीने पहले जब मैं इस ऑर्फनेज में आई तो मुझे आन्या की केस फाइल मिली। मुझे पता चला कि आन्या को 2 लोगों ने अडॉप्ट किया और फिर उसे वापस छोड़ दिया। पर जैसे ही मुझे पता चला कि आन्या को सिनेस्थीसिया है और वो सब कुछ देख सकती है जो मैंने म्यूजिक पे प्लान किया था, तो मुझे रियलाइज हो गया कि आन्या मेरी बेटी है। इसीलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। मुझे उन लोगों से नफरत है जो अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करते हैं और फिर वापस उन्हें छोड़ देते हैं। मैं आन्या को मिलकर सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की तहकीकात की वजह से मैं रुक गई, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग आन्या पे शक करेंगे। इसीलिए मैंने लेटर भेजकर आप लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरे प्लान को चौपट कर दिया। जिस बेटी को पाने के लिए तुमने 2 लोगों को जान से मार दिया, अब जिंदगी भर उस बेटी से दूर रहना पड़ेगा तुम्हें, सलाखों के पीछे काल कोठरी में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।